नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अजय प्रकाश चैनल में। तो मित्रों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक अद्भुत काढ़ा के बारे में। सदियों पुरानी चली आ रही ये काढ़ा रूपी ज्ञान जो आज भी कारगर है। इस काढ़े को पीने के बाद हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही बढ़ जाता है, साथ ही किसी प्रकार के विकारों से यह काढ़ा हमारे शरीर की रक्षा करता है। इस काढ़े में क्या क्या पड़ता है, कौन कौन सा पदार्थ मिलाकर के इस काढ़े को बनाया जाता है, ये बातें अभी मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पूर्व दोस्तों, आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप अब तक नहीं किए हैं तो, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह स्वास्थ्य से संबंधित कम से कम एक वीडियो इस चैनल में जरूर डाले जाते हैं। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। शेयर एवं कमेंट भी अवश्य दें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो। तो आइए मित्रों, हम लोग इस सदियों पुरानी इस काढ़े के बारे में जानें जो आज भी हमारे शरीर पर काफी कारगर है। इसमें कौन कौन पदार्थ पड़ता है और उसका क्या गुण है, इन औषधीय पदार्थों वाले गुण वाले पदार्थों के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से अब हम लोग जानते हैं। तो पहला पदार्थ है तुलसी। यह कफ बात विकार नाशक है। शरीर के संस्थान यथा नाड़ी संस्थान, पाचन संस्थान, रक्त संचार, श्वसन उत्सर्जन, प्रजनन संस्थान, त्वचा सहित जीर्ण ज्वर एवं सभी प्रकार के ज्वरों में विशेष रूप से लाभप्रद है। दूसरा पदार्थ है काली मिर्च। यह बात विकारों, नाड़ी दौर्बल्य, श्वास रोग, अग्निमांद, नपुंसकता, स्त्री रोग, चर्म रोग, हृदय रोग, ज्वर, विशेषतः शीत ज्वर, सूजन, दर्द आदि के लिए उपयोगी है। तीसरा पदार्थ है दालचीनी। यह कफ वात जन्य रोगों में प्रयुक्त होता है। मुख दुर्गंध नाशक है। दांतों को मजबूत बनाता है। वमन, नाड़ी, शूल, सिर दर्द के लिए उपयोगी है। शोथ वेदना को दूर करता है। नाड़ी दौर्बल्य, पक्षाघात, बाबासीर, आंतरिक ज्वर, रक्त विकार, मूत्र एवं गर्भाशय संबंधी रोगों में लाभदायक है। चौथा पदार्थ है छोटी इलायची। यह कफ बात पित्त दोषों से उत्पन्न विकारों में प्रयुक्त होता है। पाचन संस्थान संबंधी रोगों यथा मुख रोग, वमन, अरुचि, उदरशूल, बवासीर आदि में उपयोगी है। हृदय फेफड़ा के कार्यों को बल देता है। श्वसन संस्थान उत्सर्जन संस्थान को क्रियाशील बनाता है। क्षय रोग में कामयाब है। पांचवा पदार्थ है लौंग। यह कफ पित्त जनित विकारों में उपयोगी है। अरुचि, अजीर्ण, उदरशूल, अम्लपित्त, लीवर संबंधी रोग, पाचन संस्थान क्रिया को व्यवस्थित करता है। सिफिलिस में भी कारगर है। फेफड़ा के रोग, टीबी, कफ में दुर्गंध, शुक्र स्तंभन, स्तन वृद्धि आदि उपद्रव शांत होते हैं। सामान्य दौर्बलता एवं क्षय रोग के लिए उत्तम है। तो मित्रों, हम सभी इन पांचों पदार्थों के गुण के बारे में जान करके ही ये समझ चुके हैं कि ये असीम शक्तियों वाले ये पांचों पदार्थ हैं। इन पांचों पदार्थ से जो काढ़ा का निर्माण करना है, वो उसका तरीका ये है कि पानी में इसको डाल करके उबालना होता है। जब ये रंग छोड़ देता है, उसके बाद इसमें स्वाद के लिए चीनी या गुड़ भी डाल सकते हैं। इसे नमकीन भी बनाया जा सकता है, इसमें नमक भी डाल सकते हैं। तो मित्रों, यदि आप चीनी या गुड़ के साथ इस काढ़े को बना रहे हैं, तो काढ़ा बन जाने के बाद उसमें शुद्ध घी भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, वो भी अत्यंत लाभकारी होता है। यदि नमकीन काढ़ा बना रहे हैं तो उसमें
थोड़ा नमक डाल सकते हैं, नमक के बाद उसमें थोड़ा कागजी नींबू डाल सकते हैं, वो भी काढ़ा के गुण को बढ़ाने का काम करता है। तो ये पुरातन काल से सदियों पुरानी इस विधा को, इस औषधीय पदार्थों वाले से पदार्थ से बने हुए काढ़े का उपयोग करके निश्चित रूपेण हम लोग किसी भी प्रकार के एंटीवायरस या फिर बैक्टीरिया से दूर रख सकते हैं अपने शरीर को। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि ये वायरस या बैक्टीरिया छू भी नहीं पाएंगे। साथी मित्रों, यदि किसी प्रकार का विकार हमारे शरीर में आ चुका है तो भी इन पांचों पदार्थों से निर्मित इस काढ़े के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न अवयवों को इतनी शक्ति प्रदान कर दी जाती है कि किसी प्रकार का विकार हमारे शरीर से दूर होने लगते हैं। तो इस तरह के औषधीय गुण वाले काढ़े का प्रयोग आज से ही हम लोग प्रारंभ कर दें। मित्रों, एक बार और मैं सूचना देना चाहता हूं कि इन पांच पदार्थों से काढ़ा को किस प्रकार निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है, इससे संबंधित वीडियो डॉक्टर अजय प्रकाश चैनल पर आज ही अपलोड किया जाएगा। उसे भी देखें और साथ ही काढ़ा को बनाने का तरीका भी जानें और आज से ही पीना प्रारंभ करें और अपने शरीर को रोग से मुक्ति का यह अमूल्य वरदान जो प्रकृति ने हम लोगों को दिया है। और सबसे अच्छी बात है कि ये सारे पदार्थ हमारे घर में ही उपलब्ध रहते हैं। इसके साथ ही हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसको पी करके स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।